भाई अमर भाई हमने केक लाया कलेक्शन है, क्या कलेक्शन है भाई आज का 27 एंड हाफ, ये जो है वो अनहर्ड ऑफ, एक यू नो ऑन अ नॉन हॉलिडे वीकेंड पर इट्स अ बिग कलेक्शन. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू के आपने हमें बिलीव किया, ट्रस्ट किया और आप जाके ये फिल्म देखे थिएटर्स में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कहानी ऐसी थी जिसमें सीधे साधे सलमान हम चाहते थे एंड बहुत खूबसूरत कहानी है और इसको जिस तरीके से हमने इसको बनाया है वही एक ट्रीटमेंट है जो इस कहानी के लिए काम करता है. आई थिंक हर स्टोरी एक अपना ट्रीटमेंट डिक्टेट करती है और ये कहानी ऐसी थी जिसमें इस किस्म का ट्रीटमेंट, जिसमें इस किस्म का कैरेक्टर हमें चाहिए था एंड दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर इट. ये सिंपलिसिटी तो काम करती है. टाइगर में भी कैरेक्टर यही था बेसिकली, एक सिंपल आदमी है जो कि दूध लेने खुद जाता है और जब डिस्गाइज में भी जाता है तो टीचर बन के जाता है. तो एक सिंपल टिप की कहानी है. फिर वो जो अगला जो करता है जो एक्शन वैक्शन होता है सीन, यहाँ पर भी सेम ही कैरेक्टर है, सीधा साधा भोला भाला रखा है जो कि एक बार जो कमिटमेंट कर देता है उसके बाद वो अपनी आप की भी नहीं सुनता, बट इन अ डिफरेंट मैनर. जी अच्छी बात है, अगर इमोशनल हो रहे हैं मतलब कि फिर हमारी कहानी काम कर रही है. अगर इमोशन नहीं आता तो उसका मतलब वी हैव फेल्ड एज फिल्म मेकर्स. तो इट्स आई एम हैप्पी कि लोग इमोशनली अटैच हो रहे हैं. अभी हम लोग बुरा लगता कि यार क्लाइमैक्स के अंदर लोग आके हंस देते हैं. हाँ फिर हम लोग कभी पिक्चरों में ऐसा हो जाता है हम इमोशनल हो जाते हैं. क्या जी जी ऐसी यही जो जो थिएटर का रिएक्शन जो मिल रहा है वही बहुत एक हाई दे रहा है हम सब लोगों को, क्योंकि जो जिस इंटेंशन के लिए पिक्चर बनाई गई थी वो इंटेंशन अकम्प्लिश हो गया है. He's going to watch at 9 o'clock today. And you are
हाँ राइस की एक एक कैरेक्टर नहीं गया ट्विटर पे, हाँ ट्विटर के पर सिग्नल नहीं था तो आर ए बट आई पुट इन फाइव ईस एस राइस आ रहा है तो वो तो सिर्फ बीच के गई नहीं वहाँ पे से ट्वीट करना पड़ा तो आरएसएस हो गया। मैंने अभी सुना, हाँ भिजवा दूंगा आपको। स्टार्ट ही वहाँ से की थी हमने, जो जो हमारा जो कनेक्ट है वो इमोशनल कनेक्ट ही है फैंस के साथ, तो ऐसा कनेक्ट कभी होता नहीं, तो कभी मार धाड़ के साथ है, लेकिन जो जो फिल्मों की शुरुआत है जैसे कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन से, ऑल इमोशनल फिल्म्स, लव स्टोरीज, इमोशनल फिल्म, फैमिली फिल्म, तो बीच में लाइक तेरे नाम वॉज एन इमोशनल फिल्म, एंड ऑल द फिल्म्स दैट वी डू इवन एक्शन हैज टू बी बैक्ड विद द इमोशन, अदरवाइज एक्शन का मायने ही नहीं है। वो मेरी फैन फॉलोइंग है, वो एक बहुत ही ओल्ड और एक बहुत ही यंग, बीच का लॉर्ड तो गुली हो रहा है मेरा लाइफ से। जी हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कि इट्स कंपेयर टू तेरे नाम, हालांकि कोई सिमिलरिटी है कि नहीं, आई थिंक वो जो एक इमोशनल सिंपलटन, एक बॉय नेक्स्ट डोर, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मी टू प्ले राइट नाउ आफ्टर द दबंग एंड द वांटेड एंड द ऑल दीज मूवीज, काफ़ी डिफिकल्ट है सडनली कमिंग बैक टू बीइंग सिंपल। सेम सिंपल बट देर इज लाइक देर इज एक्शन एंड एवरी थिंग बट इज अ सिंपल इज फ्रॉम ऑल हार्ट। जो टिपिकल जो हिंदुस्तानी कैरेक्टर होता है वैसे, अरे यार बेचारा यार बड़ा नाइस गाय, वो दीज आर द कैरेक्टर्स एंड देन वो कम बैक टू सुल्तान विच अगेन इज बट द कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट द सेम इवन दो हिज सॉन्ग वेस्टर्न वर दैट वाज द बैड पिक्चर सो वी हैड टू कवर अप। वो भागते हुए कैसे टाइम पे ना सांस छोड़ दी थी किसी ने बिल्डिंग में से, तो वो बिल्डिंग वाले को सब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रिल बिल खिड़की उड़ी लाओ, कोई इतने से तस्वीर नहीं कीजिएगा बिकॉज हाँ यहाँ पे कहता रन आउटसाइड, तो किसी ने लेके और डाल दिया, ढूंढ रहे उसको। बट या आई हैव टू पुट ऑन अनदर 8-10 किलोस बट ऑफ मसल नॉट अ फैट। सो जी सर अगर नहीं भी रखना चाहता हूँ तो दे देखिए, अरे आज का कलेक्शन इतना है, कल का कलेक्शन इतना है, परसों का, अरे ड्रॉप हो गई, ड्रॉप कितना गया, अच्छा कल पिकअप हो गई, अरे मेजर ड्रॉप, ये चलता रहेगा। इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल बिकॉज व्हेन इवन व्हेन दे हैव गिवन लाइक माइनस समथिंग इवन देन द फिल्म्स आर गुड। सो फॉर मी if they think that they're given you know good reviews in this film and I'm going to be thank you very much then they're wrong. yeah content is I mean obviously we always need content, you just can't make a film without with rubbish, you know we got this super plot and then after that you know Kabir took it to the next level with that, but the plot was like so amazing that we couldn't, I mean we produced the film also, so I mean, we had to have that much faith. If this reaction would not have been there, अरे बाप बर्बाद हो गए हो तुम, हम लोग क्या बनाने निकले थे बजरंगी भाईजान। सॉरी Let us speak. हर्षाली बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, मुन्नी का जो किरदार है उसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। किस तरह से जर्नी हर्षाली को आपने उन्हें कितनी मेहनत की, किस तरह से उसका
हर्षाली की कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो तो हम मैंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश को ये बोला था कि अगर हर्षाली की कास्टिंग करेक्ट नहीं हो तो वी नेवर बी एबल टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस फिल्म। तो बहुत ऑडिशंस किए, कम से कम 1000 ऑडिशंस होंगे, दिल्ली, पूना, बॉम्बे, शिमला, कश्मीर, तहरान, काबुल में भी हमने कॉन्टैक्ट किए थे एक्टर्स को, बिकॉज लड़की बोलती नहीं है तो वी कुड हैव गॉट समबडी फ्रॉम देयर। फाइनली हर्षाली मिली हमें दिल्ली में और एक महीने का वर्कशॉप किया हमने यहाँ बॉम्बे में और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। केमिस्ट्री, आई मीन बच्चे के साथ या तो किसी जानवर के साथ या तो फिर किसी का टाइम अच्छा चल रहा है उसके साथ कुछ नहीं करोगे। जो हर्षाली बोलती थी वहाँ पर जो उसका इंजन था उसी के साथ चलते रहो, सिंपल काम करो। जो हम दोनों ने सिंपल काम किया तो नवाज़ भी एकदम रिलैक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम दो नवाज़ और मैं कुछ एक्टिंग करने की कोशिश करते तो ये बच्ची तो हमको जान से मार देती। तो यू कॉन्ट कम्पीट विद दैट, सो यू गो बाय देयर इनोसेंस एंड मेजर ऑफ जो हमारा काम है बिकॉज उसके इनोसेंस की वजह से वो हम पे रिफ्लेक्ट करता है। नहीं नहीं, जब तक के जब देखो यही 3-4 डेट्स हैं, अब प्रेम रतन धन पाया आएगी और दिवाली पे उसने अच्छा बिजनेस कर लिया, इसका मतलब थोड़ी कि दिवाली भी मेरी होगी, हम सबकी है यार, ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस सबकी है। मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि कुछ साल में कुछ और हफ्ते दे दे हमको, हाँ, और गवर्नमेंट से दुआ करता हूँ कि कुछ और थिएटर्स बना दे हमारे लिए ताकि बड़े बड़े स्टार्स एक दिन पर आ सकें और सब पिक्चर्स, यू नो, सब फैंस पिक्चर उनकी एंजॉय कर सकें। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को के अंदर हमको यू का सर्टिफिकेट मिला, यहाँ पर यूए मिला और पाकिस्तान ने हमको यू सर्टिफिकेट दिया, वेरी कमेंडेबल। आई मीन इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म, वहाँ से ट्वीट्स आ रहे हैं कि यू नो इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म टुवर्ड्स द बॉन्डिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान टू गेट रिलेशनशिप बेटर। बस यही है कि सब लोगों ने पिक्चर अप्रिशिएट की है, पिक्चर इज डूइंग रियली वेल एंड बहुत अरसे के बाद थिएटर में जाके लोग रोए हैं खुशी के आंसू एंड आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। सोचने दो अभी, पहले तो वो था कि लेना पसंद करते थे, अब देना शायद पसंद नहीं करते लेकिन देना पड़ता है आजकल, छोटों को देना पड़ता है और अभी इतने बड़े रहे नहीं हमसे जो जाऊँ उनसे ईदी ले सकें। जी See, people to people friendship is what we're talking about. We're not talking about politicians, we're not talking about the armed forces. And that is the point of the film, that politics is a different level, the armies will always be posturing against each other, but that should not prevent people to people contact and people to people friendship. And that's what the film is about. It's not about politics. It's about a common man of the streets of old Delhi getting up because he wants to take this girl back home and how he encounters the common man of Pakistan who we never see. We never see in our news, we never see the common man of Pakistan. We only see the posturing of the politicians and of the military heads. So the whole film is that it's beyond that. It's about people-to-people friendship. The people there are also suffering only, na? Yeah. The people there are suffering. I mean, our films go there, they like our films, you know. Cricket chal rahi, buses chal rahe, trains chal rahe, planes chal rahe, you know. वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं और फिर एक जगह यहाँ पर हो, या तो ये बंद करो या तो वो बंद करो, नो ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो दिस फिल्म इज बेसिकली कि ऊपर वाले ने इंसान बनाए, ह्यूमंस बनाए और हम लोग वही कर रहे हैं एंड दे वर वन कंट्री इवन द वे वी शॉट एक्चुअली वी जस्ट फॉलोड अ लाइन अलोंग द बॉर्डर
So we literally kept shooting from all the way from Rajasthan through Punjab and into Kashmir, literally being just 100 kilometers off the border. So there was, you know, as creatively also, there was never any confusion that are we representing it visually in a different manner, because we were just 100 kilometers off the border all the time. Sometimes even less than that. Sometimes we were as close as 5 kilometers from the border. So कभी भी जान लो आप जो सेलेक्टिव हैं, उसको भी काफी पसंद किया गया। जो लोग नहीं जानते थे, वो भी जानते थे नवाज़ क्या आपको उनकी बात हुई? चांद नवाब से आपको उनकी बात हुई? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई वी कुडंट ट्रैक हिम डाउन, लेकिन हाँ, चांद नवाब का वीडियो जब मैंने देखा था, जो वायरल हुआ था 4 साल पहले, तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था, आई न्यू कि कभी ना कभी ये कैरेक्टर मैं किसी फिल्म में लाऊंगा। तो जब मैं लिख रहा था स्क्रीन प्ले बजरंगी भाईजान का, आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर इन। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नवाजुद्दीन रोल इन द फिल्म इज दैट वीडियो एट द रेलवे स्टेशन। जी, अति फैमिलीज कर रही हैं, मैं तो घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहा। सलमान खान प्रोडक्शंस की पहली फिल्म है, जब भी आप कोई फिल्म कर रहे हैं आप खुशी तो होती है जब फिल्म चलती है, लेकिन इसमें दोहरी खुशी है। जी हाँ, वो तो होगी कि एक तो अप्रिशिएट हुई है, सबका काम अप्रिशिएट हुआ है, फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन है। आई मीन उससे तो ज़्यादा खुशी हुई हुई है कि जैसे कि अगर पिक्चर नहीं चलती तो it would have been a big problem. But ये सोच समझ के लिया था ये प्रोजेक्ट के, यू नो, कि जब हमको स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर इतना पसंद आया है, यू नो, स्क्रिप्ट इज सो अमेजिंग के दिस फिल्म वी वर ऑलमोस्ट श्योर दैट इज गोइंग टू डू वेल। अब कितना अच्छा करेगी ये कोई अंदाज़ा नहीं, बट वो कि जब भी ये पिक्चर टी वी पर आए, सेटेलाइट पर आए, लोग बैठ के पिक्चर देखेंगे एंड दे विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म। तो ये थिएटर का रन तो थिएटर का रन है, बट इट डजंट स्टॉप हियर, इट गोज़ ऑन टू टेलीविजन। और जब जब टेलीविजन पे आएगी फिल्म, ये एक जनरेशन को अच्छा सिखा के ही जाएगी। बस अभी हीरो है, उसके बाद देखेंगे क्या। हाँ तो करेंगे ना, नंबर्स तो हर चीज़ में मैटर करते हैं। जितना मिल जाए माई बाप दे दें उतना ठीक है। थैंक यू। क्या, किसके, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो कश्मीर में, वो आपने फॉलोअप स्टोरी देखा था कि इट वॉज अ रॉन्ग स्टोरी, तो उसको आप, यू नॉट फॉलोइंग द न्यूज़ ऑब्वियसली। आईसिस के झंडे उन्होंने क्लेम किया था, बाद में दे रियलाइज दे वर नॉट आईसिस झंडा। एटलीस्ट फॉलो द न्यूज़ ना। आप अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स। सर हो गया, अंदर हो गया ना, एक मिनट बस, अंदर जाओ, अंदर ले लो।